नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अरोई का टेस्टी नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं ये ब्रेकफास्ट को हमने कैसे रेडी किया है। तो सबसे पहले हमने अरोई को उबाल लिया है। अब हम उसके छिलके इस तरह से निकाल देंगे। आप चाहें तो इसे पहले छील लीजिए, उसके बाद उबालिए। तो इस तरह से हम पूरे छिलकों को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने अरोई के सारे छिलके को निकाल दिया है। अब हमें ऐसे कुछ प्लेट लेके इसे इस तरह से पकड़ के प्रेस करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे कर लीजिए दो तीन को, या तो इससे भी अच्छी ट्रिक ये है कि आप एक एक अरोई को चाकू से पतला पतला काट लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर हमने सारी अरोई को काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी जो बची हुई अरोई थी, मैंने कुछ स्टार्टिंग में जो आपको बताया था, हमने प्लेट से उस तरह से प्रेस करते हुए निकाला, उसे भी रख लेंगे। बिल्कुल इस तरह से सारी अरोई को हमने रख लिया है। अब हमें इसमें ऊपर से डालना है नमक। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है, आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 10 मिनट होने के बाद हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हम एक एक अरोई को, जो हमने आधा प्रेस करके रखा था और आधे को कट करके रखा था, उन सबको इस तरह से डाल के और इसे धीरे धीरे चलाते हुए भून लेंगे। दोस्तों, इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। और दूसरा ये कि अरोई जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर टेस्ट और हेल्थ दोनों मिल रहा है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुनहरा हो चुका है। इस तरह से जब ये भुन जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और बचे हुए जो अरोई को हमने कट करके रखा था उसे भी हमें तल लेना है। दोस्तों, इसमें धनिया की हरी चटनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बची हुई अरोई को भी हमने तल के निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा अरोई का नाश्ता रेडी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ऊपर से मैंने इसमें धनिया की चटनी और टमाटो सॉस डाला है। आप चाहे तो इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।